गाइज वेलकम माई चैनल। आज हम बात करेंगे कि पंजाब एंड सिंध बैंक का एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोसेस जानेंगे। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते तो यहाँ मैं आपको ऑनलाइन बताया हूँ, अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हो ऑफलाइन आप फॉलो करके अपना ऑफलाइन को अप्लाई कर सकते हैं ऑफलाइन में जाके। तो दोस्तों अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियो आपको मिलते रहती है। तो दोस्तों हमें रिक्वेस्ट करना पड़ेगा एटीएम कार्ड के लिए, जो डेबिट कार्ड है अप्लाई करना है तो आपको रिक्वेस्ट करोगे तो ही आपका ये आपको मिलता है आपके पते पे। तो आपको कहाँ से रिक्वेस्ट करना है फ्रेंड्स, आपको अपने जीमेल से रिक्वेस्ट करना है, क्योंकि हमें ऐप में ये ऑप्शन नहीं मिलता। जीमेल में कॉम्पोज पे क्लिक करना है, यहाँ देखिए टू सब्जेक्ट और कॉम्पोज ईमेल है। तो पहले हमें कॉम्पोज ईमेल में यहाँ जैसा आपको बता रहा हूँ सेम टू सेम वैसा लिख सकते हो। अगर आपको कोई दूसरी लैंग्वेज में लिखना आता है तो दूसरी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो, पर जो मैं लिख रहा हूँ वैसे ही सेम टू सेम आपको लिखना है। तो यहाँ ऐसा आपको लिख लेना है और उसके बाद आपका नेम आएगा, जो भी आपका नाम होता है पूरा नाम लिखना है, एक भी इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए आपके नेम में। इतना नेम लिखने के बाद यहाँ आपका उसके नीचे फ़ोन नंबर आपको लिखना है। तो हम अपना यहाँ डाल लेंगे, पहले फ्रेंड्स एक सेक्शन बनाना पड़ता है। तो मोबाइल नंबर आपको ऐसा लिखना है और उसके बाद आपका जो भी रजिस्टर फ़ोन नंबर होता है बैंक के अंदर आपके, वो आपको यहाँ डालना। अगर आपको याद नहीं है आपने कौन सा नंबर दिया था, आप भूल गए हो, तो इसकी जगह आप अकाउंट नंबर या कस्टमर आईडी लिख सकते हो। तो मोबाइल नंबर आपको उधर नहीं लिखना है, उसके आगे आपको अकाउंट नंबर या कस्टमर आईडी लिख लेना है। और उसके बाद फ्रेंड्स हमें तीसरी लाइन में यहाँ रिक्वेस्ट करना है। तो कैसा रिक्वेस्ट करना है आपको पूरा प्रोसेस देखना है और स्किप नहीं करना है। तो चलिए अभी हम रिक्वेस्ट लिखते हैं। तो आपको ऐसा लिख लेना है आई एम अकाउंट होल्डर ऑफ दिस बैंक। देखिए इसे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा वो आपको लिखना है आई एम अकाउंट होल्डर ऑफ दिस बैंक। और उसके बाद हमें रिक्वेस्ट भी करेंगे फ्रेंड्स, पहले इतना आपको लिखना है। और दोस्तों ऐसा आपको चेक कर लेना है आपने मोबाइल नंबर सही से डाला है कि नहीं, आपने सारा सही से लिखा नहीं है। तो इधर हमारा एक वर्ड छूट गया तो वो मैं लिख लिया हूँ, और इधर हमारा ऐसा लिखने के बाद आई एम एन अकाउंट होल्डर ऑफ दिस बैंक। और अब इधर हमें ये लिखना है आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़। तो ऐसा लिखिए आई रिक्वेस्ट यू टू, एक कॉमा देना है बैंक के उधर, और इसके बाद आपको ऐसा लिखना है आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ इशू न्यू डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड, आप लिख सकते हो। तो डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड फ्रेंड्स एक ही होता है, तो आप दोनों में से कुछ भी लिखिए आपको चलेगा। अब हमको एक लाइन छोड़ देना है और यहाँ आपको एक रीज़न बताना है आप क्यों अपना डेबिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हो। पहले वाला कार्ड था तो क्या हो गया, अगर आपके पास पहले वाला कार्ड नहीं है तो आपको कुछ रीज़न नहीं लिखना है। आपने अब अगर आपका पहले वाले कार्ड घूम गया है या ब्लॉक हो गया परमानेंट, या आपका फ्रेंड्स कुछ भी हो गया है कार्ड के साथ, वो आपको रीज़न यहाँ लिख देना है। तो मैं यहाँ रीज़न लिख दिया हूँ, माय एग्जिस्टिंग एटीएम कार्ड वाज ब्लॉकेड परमानेंटली, प्लीज़ इशू न्यू एटीएम कार्ड। तो ऐसा आप लिख सकते हो, प्लीज़ इशू एज सून एज पॉसिबल भी लिख सकते हो फ्रेंड्स, और थैंक्स एंड वार्म रिगार्ड आपको लिख लेना है। तो हमारा इतना होने के बाद हमें सब्जेक्ट में जाना है फ्रेंड्स, और वहाँ सब्जेक्ट हमारा किस बारे में टॉपिक, वो आपको यहाँ सब्जेक्ट की लाइन में लिखना है। तो आपको सब देख लेना है आपने सारा सही से लिखा है कि नहीं लिखा है, एक बार ज़रूर चेक करना है। ये फॉर्मेट में आपको फ्रेंड्स वीडियो रुका के लिख लेना है। अब हमने सब देख लिया, आप सब्जेक्ट की लाइन में जाएंगे और हमें यहाँ लिखना है फ्रेंड्स न्यू डेबिट कार्ड रिक्वेस्ट। तो आप इसकी जगह एटीएम कार्ड भी लिख सकते हो। तो यहाँ मैं डेबिट कार्ड लिख रहा हूँ, न्यू डेबिट कार्ड रिक्वेस्ट इशू रिक्वेस्ट लिखने हैं। और उसके बाद यहाँ टू में हमारी जो ऑफिशियल ईमेल आईडी आएगी वो ही डालना है, बाकी आपको दूसरी जगह से नहीं लेना है। आपको देखिए पंजाब एंड सिंध बैंक की जो ऑफिशियल ईमेल आईडी होती है वो एप्लीकेशन में
या आपको ऐप में मिल जाएगी या वेबसाइट में मिल जाएगा, वहाँ से ही लेके यहाँ एंटर करना है, बाकी कोई दूसरी जगह से नहीं लेना है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको ऑफलाइन में अप्लाई करना है तो आपको क्या करना है, आपको अपने ब्रांच में विजिट करना है, वहाँ आपको एक फॉर्म फिलअप करके देना है, आपका ऑफलाइन अप्लाई हो जाता है, वो आपके घर पे आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको सेंड करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरा पहले से ही कार्ड है, तो आपको ऐसा लिख के सेंड करना है, ऑफिशियल ईमेल आईडी डालना है जो एप्लीकेशन या आपको उनके वेबसाइट से मिलेगी, और कहीं से भी नहीं लेना है। और पहली बात फ्रेंड्स, ये प्रोवाइड करना भी यहाँ मना है, इसलिए मैं आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो अपडेट और चेंज होते रहती है। तो दोस्तों, आपको ऐप या वेबसाइट से ले लेना और भेज देना है। तो दोस्तों, ये वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना, अगर कुछ पूछना है तो नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हो।